अयोध्या जिला अस्पताल में डेंगू के 61 मरीजों की पहचान हुई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल परिसर में डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। बकायदा मरीजों से अन्य लोगों को डेंगू न फैले, इसके लिए मरीज को मच्छरदानी के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। लगातार अयोध्या जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई मरीज अस्पताल परिसर में आकर इलाज कराते हैं या बाहर इलाज करा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन जरूर सतर्क है। अस्पताल के CMO डॉक्टर AK राय का कहना है कि अभी भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, डेंगू के मच्छर जनित बीमारियां दूर होती जाएंगी, लेकिन डेंगू से बचने के लिए विशेष उपाय करने की जरूरत है। वहीं अयोध्या जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या हाफ सेंचुरी पार हो चुकी है, उसके बाद भी नगर निगम हरकत में आता नहीं दिखा। अयोध्या जिले में जगह जगह गंदगी का अंबार है, गंदी नालियां पानी से भरे हुए हैं, जिनकी सफाई नहीं हो रही है। इन्हीं से डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं और शहर के अंदर बीमारियां फैला रहे हैं। वहीं नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि शहर के अंदर साफ सफाई के समुचित इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके विपरीत गंदगी व्यापक है। बुखार है मुझे, आज एक हफ्ता हो गया। क्या डेंगू की शिकायत हुई है? जी आप क्या बताइए, क्या है, कैसे है? डेंगू का बुखार आ रहा है मुझे, बुखार चढ़ रहा उतर जा रहा। से भर्ती हैं? आज एक हफ्ता हो गया। ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है अस्पताल में? जी। कहाँ रहने वाले हैं? यहाँ दिल्ली दरोजे का। यहाँ हम भर्ती हैं 4-5 दिन। अरे क्या पेट नहीं, पेट रोड में दर्द हुआ था, तो डेंगू की शिकायत आई थी। यहाँ पे इतनी वक्त जो है हमें फायदा है, आराम है, हाँ यहाँ से आराम है। जिस वक्त यहाँ पे आए थे, हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी। हाँ यहाँ पे डेंगू की पुष्टि हुई है आपको? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील है। कहाँ रहने वाले हैं? ये चौक। 5 दिन या 4 दिन, कितने दिन? ये हम नहीं, हाँ 4-5 दिन हो गया, मतलब क्लियर हमें याद नहीं ना, 28-29 तारीख को यहाँ भर्ती हुए हैं, दूसरी टाइम में। डेंगू के जो कन्फर्म मरीज एलिजा द्वारा हम लोग कन्फर्म करते हैं, वो पिछले माह तक टोटल 61 मरीज जो है, अगस्त के अंत से लेकर के अभी पिछले माह तक 61 मरीज जो कन्फर्म किए, उनका इलाज किए हम लोग। डेंगू के लिए क्या व्यवस्था है अस्पताल में? डेंगू के लिए हमारे यहाँ वो फिजिशियंस देखते हैं, 3 फिजिशियन हमारे पास हैं, और उसके लिए अलग से एक वार्ड हम लोग रखे हैं, डेंगू वार्ड उसका नाम ही है, वो रिजर्व है डेंगू के मरीजों के लिए। और उस वार्ड में मच्छरदानी युक्त बेड हैं और दवा इत्यादि है। तो डेंगू में कोई ऐसी तो दवा की बहुत ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वायरस से बीमारी है, स्वयं स्वतः ही ठीक हो जाता है। 99% मरीज तो अपने आप सही हो जाते हैं। जिन मरीजों में कोई गंभीरता दिखती है, जैसे पेट में दर्द है, उल्टी उल्टी हो रहा है, या कोई शरीर में चकत दाने होने पड़े हैं खून वाले, जिससे ब्लीडिंग का चांस है, उन मरीजों को, जो सीरियस मरीज हैं, उनको हम लोग भर्ती करते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनकी दवा डॉक्टर सब लोग हैं, पूरी व्यवस्था है डेंगू के लिए। डेंगू का सीजन अभी चल रहा है, ये जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब तापक्रम हो जाएगा, जाड़ा आ जाएगा, तो हमको लगता है कि नवम्बर के बाद, मतलब नवम्बर तक के अंत तक एक समाप्त हो जाएगा, और सारी व्यवस्था है हम लोग कर रहे हैं। अस्पताल की नहीं नहीं सफाई बहुत अच्छी रहती है, नित्य हम लोग राउंड लेते हैं मैट्रन के साथ, और चारों तरफ देखते हैं, प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज यहाँ हैं, सफाई बहुत तो हम लोग ठीक ठाक रहती है, सफाई बड़ी अच्छी है। कितने बेड के लिए? कितने बेड डेंगू के लिए? 10 बेड हैं। और कितने मरीज आ जाएँ को डॉक्टर? और मरीज आ जाएँ 10 बेड? नहीं तो उसमें उसके लिए रिजर्व उतना हम लोग रखे हैं, तो और दूसरे हमारा परसेप्शन है, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करते रहते हैं, और नगरी व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है सफाई व्यवस्था में। जहाँ तक कूड़े की बात है, कूड़ा पड़ावों पर तो कूड़ा दिखता है, लेकिन वो भी एक निश्चित समय पे, और हमारे वाहन उसको उठा लेते हैं उस समय के उपरांत। तो जो कूड़ा अभी एकत्रित हो रहा है सड़कों पर से, गलियों में से, नालियों में से, वो हमारे कूड़ा पड़ाव तक जाता है, कूड़ा पड़ाव से उठाकर हम उसको डंपिंग ग्राउंड पर ले जाते हैं। तो कूड़ा पड़ावों पर तो निश्चित रूप से कुछ कूड़ा दिखता है, लेकिन उसको हम नियमित रूप से उठा लेते हैं।